आसमानों से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद थोड़ा और ऊंचा कर ले। हुस्न वाले से कह दो अगर इश्क देखनी हो तो हमसे आके मिले। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का प्यारा चैनल एमबी जॉन पर स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं हम फिजिक्स में चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीबीआई टाइप क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपको हम, आपको एकदम पूरा 100% याद हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, यदि आप चले जाइएगा वीडियो को छोड़कर बीच में आप बहुत पछताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा बात बताएंगे आपको हम, लास्ट तक आप देखिएगा। तो शुरू करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। सबसे पहले क्या रेखीय आवेश में क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज क्या होता है, रेखीय आवेश, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जो वितरण होता है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश कहते हैं। इसको हम 1D बोलते हैं, मतलब एक बीमी है प्रति एकांक लंबाई में, इसका हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है, लेमडा। अब प्रति एकांक लंबाई, तो लंबाई एक तार ले लिए, चालक ले लिए, लंबाई ये एल, और देखिए इस पर आवेश दे दिए हम प्लस क्यू, ये क्या हो जाएगा, पूरे समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए इसका लंबाई हो गया एल, प्रति एकांक लंबाई, जब भी प्रति लगा रहेगा तो बाय आता है, तो प्रति एकांक लंबाई, तो लंबाई हो गया एल, और आवेश की मात्रा कितना है क्यू, तो क्यू बाय एल को हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक दोस्तों हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, इसको ये भी हो सकता है आपका, या क्यू बाय विड्थ की परिधि होता है 2πr, तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। इसका मात्रक हो जाएगा क्यू का होता है कूलम, इसका हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बीमा हो जाएगा इसका, देखिए आवेश का हो जाएगा एटी, लंबाई हो जाएगा आपका क्या, लंबाई का हो जाएगा एल, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल, ऊपर जाएगा एल पर -1 ए टी, तो इस प्रकार से आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व। अब हम लोग देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये 2D में ही कहलाता है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमीय। इसमें क्या होगा, प्रति एकांक इसमें क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, एक हम चादर ले लेंगे या एक स्क्वायर टाइप का ले लिए हम, पृष्ठ ले लिए, और इस पर मान लो प्लस क्यू चार्ज देंगे, पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, ये चालक पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, आवेश वितरित हो जाएगा, पूरे चालक पर फैल जाएगा समान रूप से। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, सिग्मा से, प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए क्या हो गया ए, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए, आवेश की मात्रा कितना है, तो क्यू बाय हो गया ए, या इसका एक और होता है क्यू बाय, आप इसको लिख सकते हैं आप 4πr² क्योंकि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, ये भी हो सकता है, या इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक दोस्तों इसका हो जाएगा सिग्मा बराबर इसका कूलम हो जाएगा, इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम बीमा, निकालेंगे तो बीमा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बीमा हो जाएगा आवेश का होता है एटी होता है, बता चुके आप जाके देख सकते हैं लेक्चर 2 में, और इसका एरिया लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई को भी एल से लिखेंगे हम लोग और चौड़ाई को भी एल से लिखेंगे, एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। दूरी को हमेशा हम लिखते हैं एल से ही लिखते हैं, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है ना, मीटर लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर को लिख सकते हैं क्या एल से, लंबाई का एल आई स्क्वायर, इस पर स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा एल -2 ये हो जाएगा ए टी। ये दोस्तों आपका हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो प्रति एकांक आयतन में, तो आयतन के लिए क्या करेंगे हम, 3D लेंगे, 3D जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, इसको ये 3D माता है, तो 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 बीमी है,
इसमें क्या होगा, एक आवेश दे देंगे प्लस क्यू, तो पूरे चार्ज क्या हो जाएगा इस पर पूरी तरह से फैल जाएगा, इस पर चारों तरफ क्या हो जाएगा फैल जाएगा, और इसका आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, वी हो गया, ठीक है। आयतन का इंग्लिश होता है वॉल्यूम होता है। तो हम लोग आवेश का प्रेस, आवेश का आयतन घनत्व हम लोग लिखते हैं किससे, हम इसको लिखते हैं रो से लिखते हैं, ठीक है ना। आवेश के आयतन घनत्व रो से लिखते हैं, तो प्रति एकांक आयतन में, तो आयतन हो जाएगा कि आपका वी हो गया, और आवेश की मात्रा कितना है तो क्यू, इसका ये हो गया आपका। इस प्रकार से ये भी हो सकता है, या आप इसको लिख सकते हैं क्यू बाय फोर बाय थ्री आप पाई आर क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मात्रक इसका हो जाएगा, इसका आवेश का कूलम हो गया वॉल्यूम, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मीटर क्यू हो जाएगा, आयतन का मीटर क्यू हो जाएगा। और बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बीमा हो जाएगा इसका, इसका होता है एटी, और इसका हो जाएगा लंबाई का क्या होता है एल, और ये देखो क्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू, तो ऊपर जाएगा ये दोस्तों, तो ये हो जाएगा एल माइनस थ्री एटी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका था आज का टॉपिक, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीनों आपको हम पढ़ाए हैं। रेखीय आवेश घनत्व वन डी में पाया जाता है, एक बीमीय होता है, पृष्ठीय आवेश द्विबीमीय होता है, और आयतन आवेश त्रिबीमीय होता है, ठीक है। यदि आपको समझ में आया तो आप लाइक करके कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और आपको इसी प्रकार का वीडियो डेली वाइज आपको देते रहें। और जो भी आपको वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल पर जाकर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करके आप उस चीज को देख सकते हैं, उस वीडियो को, उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।